तो आज है 8 अक्टूबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके भी तेज़े। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 3 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी 5 अक्टूबर। दोस्तों हाल ही में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेस ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 7, बी 5, सी 2 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी 2। दोस्तों हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेस ने 2 घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है। तो चलिए हमारे थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी दिल्ली। दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों हमारे फोर्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं ए साहित्य, बी शांति, सी चिकित्सा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी चिकित्सा। दोस्तों हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी अफगानिस्तान। दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालक के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भूटान या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी म्यांमार। दोस्तों हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए म्यांमार देश के साथ सहमति व्यक्त की है। तो चलिए दोस्तों हमारे सेवेंथ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी चीन। दोस्तों हाल ही में चीन देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे एट्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डरले खुर्सिनी को GI टैग मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी सिक्किम। दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डरले खुर्सिनी को GI टैग मिला है। तो चलिए दोस्तों
हमारे 9th क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया है? हमारी ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी ओडिशा। दोस्तों हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ओडिशा में किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे 7th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हमारी ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी मनीष सिसोदिया, सी राजनाथ सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी मनीष सिसोदिया। दोस्तों हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन मनीष सिसोदिया ने किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे 11th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चेन्नई एयरपोर्ट, बी हैदराबाद एयरपोर्ट, सी पुडुचेरी हवाई अड्डा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी पुडुचेरी हवाई अड्डा। दोस्तों हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बना है। तो चलिए दोस्तों हमारे 12th और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी हरियाणा। दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।